मसीह हम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रवचन कहता है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के जन आपस में मिले रहे। थैंक यू लॉर्ड। आज जो हमारे बीच में पिता प्रेम है, आज जो पिता हम एक मन होकर के आपकी उपस्थिति में आने पा रहे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और पवित्र आत्मा प्रभु आज के दिन का, आज के सीजन का हम आपको पूरा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। यस लॉर्ड। वचन कहता है कि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आज आप हमें लीड कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कर रहे हैं पवित्र आत्मा, कि आज हम आपकी आराधना करें, आज हम अपने पिता की प्रशंसा करें, हम अपने जीवन की हर एक आशीषों के लिए, छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी, हर एक आशीषों के लिए हम अपने पिता को धन्यवाद देने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अपनी आत्मा से भरा है। थैंक यू लॉर्ड। हम आप में एक नई सृष्टि है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम आप में नए किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस वक्त हम सभी एक मन होकर के आत्मा में जुड़ जाए, प्रभु में जुड़ जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ बहुत तायत से है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमारे मन को खोल रहे हैं पिता, यहाँ बस हर एक भाई बहनों के प्रभु मन को आप अपनी महिमा के लिए खोल रहे हैं पिता, कि आज सचमुच हम आनंद से भर कर अपने पिता को धन्यवाद देने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, उसकी आराधना करने वाले लोग होने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद। सब बातों का नियंत्रण आपके हाथ में लेते थे। इस प्रार्थना को हाँ और आमीन के साथ ईशु मसीह नाज़रेत के नाम से, आमेन। यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु आपकी आराधना करें,
जो बात
बातें हमारे जीवन में दी गई है पिता, और प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति में है। थैंक यू लॉर्ड, आज हम यहाँ से आपको सीख करके, आपको ले करके, आप में जीने के लिए हम नए किए जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम प्रभु सीखने वाला मन लेकर के पिता आपके समीप आते हैं, हमसे बोल और हमसे बातचीत कर। हाँ प्रभु, हम घटना चाहते हैं, हम हमारे पुराने मनुष्यत्व से हम प्रभु और ज्यादा हम हट जाना चाहते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो आप में जो हमारा जो सचमुच सही पहचान है कि हम पवित्र लोग, हम याजकों का समाज है, हम आपके चुने हुए लोग हैं, प्रभु उन बातों का प्रकटीकरण, उन बातों का मैनिफेस्टेशन प्रभु अपने जीवन में हम देखने पाए थे। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु सचमुच हम आपको और प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुन और सर राज में रख। आमेन। हालेलुया। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे बीच में। हम लोगों ने बहुत सारी बातों को पिछले समय में सीखा है पवित्र आत्मा के विषय में, और आज हम लोग सीखेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं इस बात के लिए? जब हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करते हैं तो उसके पहले हम लोगों को ये बात कर लेनी चाहिए कि जो वरदान परमेश्वर देता है वो क्या है, क्योंकि जो वरदान के विषय में जब हम बाइबल में ढूंढते हैं, हमारे पास जो हिंदी बाइबल है उसमें, और जो इंग्लिश है उसमें, दोनों में एक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। वरदान शब्द इस्तेमाल किया गया हिंदी में, या फिर दान शब्द इस्तेमाल किया गया है, और इंग्लिश में गिफ्ट शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये वास्तविक अर्थ को तब तक प्रकट नहीं कर सकता जब तक हम उसके मूल शब्द में न चले जाएं, यूनानी भाषा। जब हम यूनानी भाषा में इस बात को पढ़ते हैं, जहां पर गिफ्ट है, जहां पर वरदान या दान शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका यूनानी क्या है, तो यूनानी में दो अलग अलग शब्द है। उसमें से एक शब्द है डोरिया और दूसरा शब्द है करिज्माटा। सुनने से ही पता चल जाता है कि दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाना चाहता हूं योहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 4। हम लोग इसको जरा माई सोर्ट से पढ़ेंगे। माई सोर्ट जरा सा डिस्प्ले कीजिए हम लोग, ताकि यूनानी शब्द को देख सके। तब तक हम लोग हिंदी अपनी बाइबल से पढ़ करके देख सकते हैं। योहन्ना अध्याय 4 और उसके पद 10, वहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, और जब उन्होंने बातचीत की तो वो उसको ये बताना चाहते थे कि परमेश्वर ने इस धरती को एक वरदान दिया है या एक दान दिया है, और वो दान खुद यीशु मसीह, और ये यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को जीवन का जल दे सकता है। और इसी बात को बताने के लिए उन्होंने सामरी स्त्री से कहा, पद 10 में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर हम लोग यूनानी भाषा में देखेंगे तो मिलेगा यदि तू परमेश्वर के डोरिया को जानती। ये वो दान है जिसको परमेश्वर इस पूरे संसार के लिए ऑफर कर रहा है कि जो चाहे आए, जो चाहे आए और आकर ले जाए। और वो दान यीशु मसीह में लोगों को मिलता है। और उसने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और इस बात को जानती कि जिसके द्वारा वरदान आ रहा है वो कौन है, तो तू उसे कहती और उसे जीवन का जल दे, और वो मैं अर्थात यीशु मसीह। तो इसके योहन्ना 14 अध्याय पद 10 और उसमें जहां पे गिफ्ट शब्द है वहां पे आप ले जाइए, गिफ्ट शब्द उसके ठीक नीचे, जीसस के ठीक नीचे गिफ्ट है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आप अपने मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं गिफ्ट के लिए वो शब्द है डोरिया, ठीक है, ये अलग शब्द। इसी प्रकार जो पवित्र आत्मा दिया गया संसार के लिए अर्थात विश्वासियों के लिए, उस पवित्र आत्मा के दान को भी डोरिया शब्द से बताया गया है। हम लोग उसको देख सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके 8वां अध्याय और पद 20। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय
और उसके पद 20 हम लोग अपनी बाइबल में से हिंदी में पढ़कर देखें। वहाँ जो घटना है वो ये है कि जो शमौन नामक एक व्यक्ति था जो जादू टोना किया करता था, उसने देखा कि फिलिपुस ने जब आकर प्रचार किया तो वास्तव में चमत्कार हुए, तब उसने भी विश्वास किया था और फिर सामरिया के लोगों ने विश्वास किया। तो यरूशलेम से लोगों को भेजा गया कि वे लोग जाकर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वहां के लोग पवित्र आत्मा पाए। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना गए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और वचन कहता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जो भी एक्टिविटी हुई उसको वो जो समान जादू टोना करने वाला व्यक्ति देख रहा था, और जब उसने देखा कि पीड़ितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज जरूर थी जिसको वो देख सकता था, कुछ अंतर था, सिर्फ हाथ रखे और हट गया ऐसी बात नहीं, कुछ अंतर था जिसको वो देख सकता था। तो क्योंकि उसके मन में लालच था, वो रुपए लेकर पतरस के पास में आया और कहने लगा कि जो दान तुम्हारे पास है मुझे भी दिया जाए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे भी ये गिफ्ट दे दो, मुझे भी ये अधिकार दे दो। पद 19 में कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। मैंने तुमको हो सकता है 20 रुपए दिए होंगे, तो मैं बाकी जिनके ऊपर हाथ रखा बोलेगा पैसा दो, हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखते हैं पवित्र आत्मा आ जाएगा। तो बिजनेस करने की सोच रहा था, लेकिन पतरस ने उसको क्या जवाब दिया? पद 20, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तू परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, और अगर हम लोग उसको फिर यूनानी में देखेंगे तो इस दान शब्द के लिए जो शब्द है वह है डोरिया। उसी प्रकार प्रेतों के काम की पुस्तक और उसके अध्याय 10 और उसके पद 45, प्रेतों के काम की पुस्तक अध्याय 10 और उसके पद 45, यहां पर लिखा है कि जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अब इस दान शब्द के लिए फिर से यूनानी में शब्द होगा डोरिया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे, देखिए इंग्लिश में गिफ्ट शब्द ही हो, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, उसके लिए लिखा है डोरिया, लेकिन उसी जगह दूसरे शब्द मिल जाएंगे जहां पर शब्द तो हम लोग वरदान ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो शब्द होगा करिज्माटा। हम लोग उसको फिर से माइसोड या ईसोड से देख लेंगे, पर आप लोग हम लोग अपनी बाइबल में से ढूंढिए रोमियो की पत्री और उसके 11वां अध्याय और उसके पद 29, रोमियो की पत्री और उसके 11वां अध्याय और उसके 29वां पद, रोमी 11 और उसके 29 हिंदी में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अब यहाँ पर भी वरदान शब्द है, देखिए सामरी स्त्री वाला जो वर्णन था वहां पर भी वरदान शब्द था, उसके लिए जो यूनानी शब्द है वह डोरिया। अब यहाँ पे वरदान शब्द है क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट और वरदान अटल है, और इसको जब हम यूनानी में देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर डोरिया शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है करिश्मा या करिज्माटा। जब आप इसमें देखेंगे माइसोड में या ईसोड में तो आप पाएंगे वहां लिखा हुआ करिज्मा, लेकिन जो वास्तविक पूर्ण शब्द उसका होगा करिज्मा तो उसका रूट वर्ड है, लेकिन जो उसका पूर्ण शब्द है वो है करिज्माटा। रोमी 11 और उसके 29 एक बार डिस्प्ले कीजिए, रोमी 11 उसके 29, ये 10वां अध्याय था, रोमियो की पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके 29वां पद ईसोड से, ईसोड से हम लोग देखना चाहते हैं यूनानी में कौन सा है, ईसोड रोमी 11 उसके 29 29 जहां गिफ्ट्स लिखा है वहां पे ले जाइए 29 गिफ्ट्स जहां पर, फॉर द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड इज विदाउट रिपेंटेंस, गिफ्ट्स यहां पे गिफ्ट्स जहां पे है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं माई सोर्ड में, तो वहां पर आपको शब्द मिलेगा करिज्मा। यूनानी में जो असल शब्द इस्तेमाल किया गया है वो करिज्मा का ही एक रूप है करिज्माटा। और जब हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा करिज्माटा की बात करेंगे, हम लोग डोरिया की बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा करिज्माटा की बात करेंगे। तो हम लोग करिज्माटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। करिज्माटा भी उसके भी दो भाग हैं, देखिए जो दान है ये जो वरदान है उसके भी दो भाग हैं, एक जिसको डोरिया से बताया जा रहा है, एक जिसको करिज्माटा से बताया जा रहा है।
अब कुछ है जो करिज्माटा से बताया जा रहा है, तो करिज्माटा से जिन वरदानों के विषय में बताया जा रहा है उसमें भी दो भाग है। कुछ ऐसे दान है जो सारे विश्वासी उनके लिए उपलब्ध है, और कुछ ऐसे दान है जो किसी विश्वासी के लिए दिया गया, दूसरे विश्वासी के लिए नहीं दिया गया। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पहला कुरिन्थ और उसके 12वां अध्याय और उसके पद 13 को डिस्प्ले करके रखिए, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने देखा कि हमने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर भीतर देखता है, विश्वास भीतर की वस्तु है। परमेश्वर ने देख लिया तो उसने क्या किया, हमें मसीह की देह में एक स्थान दे दिया। हम लोग पहले भी इस बात को समझ चुके हैं, मसीह की देह में एक स्थान दे दिया जिसका सिर खुद यीशु है और जो उसके बाकी देह के अंग हैं हम लोग हैं। तो जैसे ही हमने विश्वास किया हमको उस देह में एक जगह मिल गई। पहले हम उस देह के अंग नहीं थे, हम जब तक विश्वासी नहीं थे हम उस देह के अंग नहीं थे, परंतु विश्वास करने पर हम उस देह के अंग बन गए। और उस प्रक्रिया को नाम दिया गया बपतिस्मा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। अधिक यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, मनुष्य के द्वारा नहीं, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मैंने पहले भी इसको इसका वर्णन किया आपको सामने। हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा नहीं, हिंदी में तो ऐसा लगता है कि हमने बपतिस्मा लिया, तुमने कब लिया, मतलब कोई दिया होगा, ऐसा अर्थ आता है। इंग्लिश में पढ़िए, फॉर बाय वन स्पिरिट आर वी ऑल बैप्टाइज्ड इनटू वन बॉडी, एक आत्मा द्वारा हम लोगों ने एक देह में बपतिस्मा लिया, ये लिखा है। अर्थात जो मसीह की देह है उस देह में हम लोगों को जगह दे दी गई, और जो जगह हम लोगों को दे दी गई उसी को कहा गया बपतिस्मा, और ये काम जो किया गया वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया। तो जितने यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको पवित्र आत्मा ने यीशु की देह में या मसीह की देह में एक जगह दे दी, तो हम उसकी देह में एक जगह पाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मेरे पास एक शरीर है, मेरे पास जो शरीर है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सब अंगों के लिए कॉमन है, जितने भी अंग यहां पर हैं उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि सारे शरीर के लिए वो दी गई, जैसे खून। अब कान देखिए, नाक देखिए, हाथ देखिए, पैर देखिए, खून वहां मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिसकी कुछ खासियत है जो दूसरे अंग में नहीं है। अब जैसे आप कान देख लीजिए और जीभ देखिए, दोनों में खून तो है लेकिन कान सुन सकता है और जीभ चख सकता है। जो काम जीभ कर सकता है वो कान नहीं कर सकता, जो कान कर सकता है वो जीभ नहीं कर सकता। उसी प्रकार देह के अंगों के साथ में, तो उसी प्रकार जो शब्द करिज्माटा इस्तेमाल किया गया है वो कुछ ऐसे दानों के लिए इस्तेमाल किया गया जो सभी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि खून सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध। और करिज्माटा उस बात के लिए भी इस्तेमाल किया गया है जो किसी खास अंग को खास योग्यता दी जाती है, समझ रहे कि हर अंग अपना अपना काम कर सके। जो हाथ है वो अपने हाथ वाला काम कर सके, जो पैर है वो पैर वाला काम कर सके, जो भी अंग है वो, मतलब अपने अपने तरीके से समझना है कि मैं कौन सा अंग हूं और मैं उस काम को कर सकूं, उसके लिए कुछ दान दिए जाते हैं। लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जो सारे लोगों के लिए दिए जाते हैं। हम लोग इसको फिर से माइस ईस वर्ड से देखेंगे, आज हम लोग ईस वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो करिज्माटा शब्द है ये प्रत्येक विश्वासी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसके पद 23। रोमियो की पत्री अध्याय 6 और उसके पद 23। आप लोग इस पद से परिचित हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। उसने लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु परंतु हमारे प्रभु यीशु का वरदान, हमारे प्रभु यीशु का करिज्माटा, यूनानी शब्द दिखाइए, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। 6:23 जहां पे गिफ्ट है वहां पे देखिए करिज्मा, करिज्मा से शब्द बना करिज्माटा। तो ये जो वरदान शब्द है ये करिज्माटा से आया है, करिज्मा से आया है। तो ये जो अनंत जीवन है ये प्रत्येक विश्वासी का हक है, ये नहीं है कि उस विश्वासियों के समूह में मसीह के देह में
कोई खास अंग है जिनको ये करिश्माटा दिया गया, जिनको अनंत जीवन दिया गया, बाकियों को नहीं दिया गया, ऐसी बात नहीं। यदि वो विश्वासी है तो अनंत जीवन उसका हक है, यदि वो विश्वासी है तो अनंत जीवन पाया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र उसे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग जब विश्वास करते तो क्या होता है, हम लोग पाते हैं। विश्वास करके फिर वेटिंग में नहीं रहते, विश्वास कर लिए वेटिंग में अनंत जीवन किस दिन मिलेगा। उसने कहा था विश्वास करें वो पाए, तो हमने जब विश्वास कर लिया तो पाया। तो हर एक विश्वासी के लिए ये अनंत जीवन उपलब्ध किया गया। तो हर एक विश्वासी के लिए ये जो अनंत जीवन का करिश्माटा है, अनंत जीवन का दान है, वरदान है, ये उपलब्ध हर एक विश्वासी के लिए। उसी प्रकार जो धार्मिकता शब्द है, ये जो धार्मिकता शब्द है, इस धार्मिकता के लिए दोनों, धार्मिकता का जो दान है उसके लिए दोनों शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। डोरिया भी इस्तेमाल किया गया है और करिश्माटा भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। रोमियों की पत्री और उसके पांचवें अध्याय को देखिए और उसके पद 16 और 17 को देखिएगा, ठीक है। पहले हम लोग 16 देखेंगे, क्योंकि जो परिच्छेद है, जो संदर्भ चल रहा है, वो धार्मिकता के विषय में है, धार्मिकता के दान के विषय में है। इसलिए दोनों शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर दिए गए। पांचवा अध्याय 16-17, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। उसने लिखा कि एक ही व्यक्ति के पाप करने के कारण बहुत सारे लोगों पर दंड की आज्ञा हो गई, परंतु इन सारे पापों के बाद ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ जिसका जो वरदान, ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। तो यहां जो वरदान के लिए शब्द मैं आपको बता दूं, ये करिश्माटा है। और इसके बाद पद 17 को देखिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण अर्थात आदम, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। धर्म रूपी वरदान, वहां पर आप पाएंगे डोरिया। इसी वरदान के विषय में या इसी धार्मिकता के विषय में पद 16 कहता है कि वो करिश्माटा है, पद 17 कहता है कि वो डोरिया है। धार्मिकता के लिए दोनों इस्तेमाल किए। लेकिन अगर ये धार्मिकता करिश्माटा है तो ये विश्वासियों के समूह में किसी किसी को गिन चुन के नहीं दिया गया, प्रत्येक विश्वास करने वालों को धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। सो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो करिश्माटा शब्द है इसमें हम दो भाग में पा रहे हैं। कुछ है जिनको हम कह सकते हैं जनरल गिफ्ट, सामान्य वरदान जो प्रत्येक विश्वासी के लिए उपलब्ध है, जैसे अनंत जीवन, जैसे कि धार्मिकता। और कुछ है स्पेसिफिक गिफ्ट या खास तरह के वरदान जो हर एक के लिए नहीं, जैसे शरीर के अंगों के लिए। हमने कहा कि खून हर एक के लिए है, परंतु जो उस अंग की खासियत होनी चाहिए वो उसी अंग के साथ में। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के विषय, उसके पहले हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक के विषय, और मैंने आपको कहा था कि जो अभिषेक है वो बिना उद्देश्य के कभी नहीं किया जाता। तो जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो हमें अपने काम करने के लिए अभिषेक कर देता है, और जब अभिषेक कर देता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों का काम क्या है, पता चल जाना चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको कहा था कि प्रभु की आवाज को सुनने के लिए कोशिश कीजिए, उसको पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। अब वहां पर जब उसकी बुलाहट हुई, देखिए बात हम लोग शुरुआत से करते हैं फिर से, अर्थात जब वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था और उसको सुसमाचार के द्वारा बुलाहट दी गई और उसने विश्वास किया था, हमने कहा कि उसको मसीह की देह में एक जगह दे दी, वो मसीह की देह में एक जगह उसको मिल गई, समझने के लिए समझने की मेरे शरीर में एक जगह दे दी, मान लिया कि हथेली उसको बना दिया, तो उसकी बुलाहट है कि वो हथेली है। अब वो हथेली अपना काम अच्छे ढंग से कर सके इसके लिए उसको अभिषेक किया गया, ताकि वो अपना काम पूरा करे और वो किसी रीति से कमजोर ना रहे, उसमें उसकी पूरी सामर्थ्य रहे। लेकिन जब अभिषेक किया जाएगा तो उसके साथ में इस हथेली में जितने गुण होने चाहिए उस काम को करने के लिए वो भी दे दिया जाए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने वरदान भी हैं वो अभिषेक के साथ में जुड़े हुए हैं। आपका जिस उद्देश्य के लिए अभिषेक किया गया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितने वरदानों की जरूरत है परमेश्वर उसी समय हम लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ते, समय के साथ दिखाई पड़ेंगे, मैं उस पर भी आऊंगा।
लेकिन ये अभिषेक के साथ में वरदान जुड़े हुए हैं। आपका अभिषेक किसी और बात के लिए किया गया, वरदान किसी और काम के लिए है, ऐसा नहीं होगा। जितने जो वरदान है वो काम करने के लिए दिए गए, वो एक औजार की तरह है जिनको लेकर के हम परमेश्वर का काम करें। वो गहनों की तरह नहीं है जिनको हम पहन करके लोगों के सामने करें कि देखो हमारे पास इतने वरदान, उसके लिए नहीं। जो वरदान दिया गया है उसका एक दिन हिसाब में लिया जाएगा। आपको मालूम नहीं? मालूम, यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ तोड़े दिए, 10 तोड़े इसको दिए, 5 तोड़े इसको दिए, 1 तोड़े इसको दिए, चला गया, वापस आकर हिसाब मांगने लगा, मैंने तुम्हें इतने तोड़े दिए थे, तुमने क्या किया? लोग हिसाब देने लगे। अंत में ऐसे ही होगा, परमेश्वर अपने काम करने के लिए आपका अभिषेक करेगा और अभिषेक के साथ में आपको वरदान भी प्रदान कर दिए जाएंगे कि तुम्हारा जो काम है तुम उसमें कमजोर ना पड़ो, तुम उसमें बहुत आयत से कर सको, वरदान भी दे दिए जाएंगे और लास्ट में हिसाब दिया, हिसाब मांगा जाएगा। मान लिया एक व्यक्ति को खेत में काम करने के लिए छोड़ दिए और हमने उसको कहा कि इस खेत को ऐसा बना दो जिसमें कि धान बुआई किया जा सके, और हमने उसके हाथ में कुदाल पकड़ा दिया, तब हम दिन के अंत में आकर उससे हिसाब लेंगे कि तुमको कुदाल पकड़ाया गया था, तुमने कितना काम किया, तो बोलेगा इतना काम किया, तो हम संतुष्ट होंगे क्योंकि कुदाल से उतना ही किया जा सकता था। दूसरे व्यक्ति को हमने काम दिया और उसको ट्रैक्टर पकड़ा दिया, अब दिन के अंत में हम आएंगे और उससे पूछेंगे कि तुमने कितना काम किया, अगर वो बताएगा कि जितना कुदाल वाला किया हमें उतना ही किए तो उसको डिसमिस कर दे, ये काम चोरी करता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो वरदान है वो हमारे शोभा के लिए नहीं है, दिखावा करने के लिए नहीं है, वो काम करके प्रभु को हिसाब देने के लिए है और वो हमारी जरूरत भी है, क्योंकि जो कुदाल वाला है उसे ट्रैक्टर वाला ज्यादा ही काम कर देगा, है ना। कुदाल वाला दिन भर में यहां से वहां तक खुदाई करेगा, लेकिन ट्रैक्टर वाला 2 बार ऐसे ट्रैक्टर चलाएगा तो उतना हो जाएगा। तो वरदान हमारी सहायता करते हैं कि जो परमेश्वर का काम है उसको हम कर सके। अब हम उस शब्द पर आते हैं, शब्द है करिश्माटा या करिश्मा। इस शब्द का अर्थ हम समझ लें। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो वरदान है ये हमारे मेहनत का परिणाम है, हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को साबित किया इसलिए परमेश्वर ने हमें दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, जो शब्द है वही इस बात को बताता है। यूनानी भाषा में जो अनुग्रह के लिए शब्द है वो है करिस। आप अगर देखना चाहते हैं इस वर्ड में देख सकते हैं, इस वर्ड में दिखाइए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8। अनुग्रह के लिए जो शब्द है मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूं, इफिसी 2 अध्याय 8 ईसोट, और वहां पर आप शब्द देखिए अनुग्रह के लिए यूनानी शब्द, इफिसियंस chapter 2 verse 8, इफिसी 2 अध्याय 8। आज डिस्प्ले में सिर्फ ईसोट रखिएगा, आज हम लोग बहुत ज्यादा इस वर्ड से देखने वाले, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं आपको अनुग्रह के विषय में थोड़ा सा बता दूं। अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर का ऐसा दान, ऐसा दान जिसके लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई, ऐसा दान जिसके लिए हम लायक भी नहीं थे। आप लोग सुनते होंगे ग्रेस मार्क, है ना, कि अगर उसको 25 नंबर मिल रहे थे तो जो एग्जामिनर है उसको कहा जाता है कि 25 वाले को फेल मत कीजिएगा, उसको अपनी तरफ से 5-10 नंबर दे दीजिए और उतना पास मार्क्स तक पहुंचा दीजिए, ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। मतलब स्टूडेंट उसके लायक नहीं था, वो किसके लायक था? 25 के लायक था, लेकिन एग्जामिनर को कहा गया कि उस पर अनुग्रह कीजिए और उसको पास करा दीजिए। तो जिसके वो लायक नहीं था वो चीज उसको दिया जाता है अनुग्रह के तहत। और यहां पर उसने कहा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो हमारा जो उद्धार है उसके लिए हम कोई लायक थे ऐसी बात नहीं, हमने अपने आप को साबित कर दिया था ऐसी बात नहीं थी। परमेश्वर ने तो तब हमसे तभी प्रेम किया जब हम पापी थे और हम नालायक थे, परंतु हम पर अपना अनुग्रह दे दिया। हम अनंत जीवन के लायक कभी नहीं,
हम धर्मी ठहराए जाने के लायक कभी नहीं, लेकिन हमको ये सारी चीजें दी गई क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हम पर अनुग्रह किया। तो यहाँ जो अनुग्रह शब्द है उसके लिए जो गिफ्ट नहीं ग्रेस, देखिए फॉर बाय ग्रेस, ग्रेस के लिए जो शब्द है अनुग्रह, वो शब्द आपको मिलेगा कैरिस, ठीक है। इसी कैरिस में एम ए जोड़ दीजिए, यूनानी शब्द के अनुसार म्यू अल्फा लास्ट में लगा दीजिए, कैरिस जितना है तो करिश्मा बन जाए, करिश्मा से उसमें टी ए टाउ अल्फा जोड़ दीजिए तो करिश्माटा बन जाए, कैरिस से करिश्मा, करिश्मा से करिश्माटा। तो ये जो करिश्माटा शब्द है या जो करिश्मा शब्द है ये अनुग्रह का ही एक रूप है। हालेलुया, ये अनुग्रह से दिया जाता है, मतलब जिसको ये दान दिया गया है उसको परमेश्वर ने एक खास तरह का अनुग्रह दिया है, उसको एक खास तरह का अनुग्रह दिया है। जैसे हम लोग पवित्र आत्मा के वरदान जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग नौ वरदानों की चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम कहेंगे कि उसको वरदान दिया गया है तो इसका मतलब ही है, उसको करिश्माटा दिया गया है मतलब ही है कि उसको एक खास तरह का अनुग्रह दिया गया है। ये उसके अचीवमेंट नहीं है, ये उसने हासिल नहीं किया है, ये उसको अनुग्रह से मिला है। तो ये जो वरदान है पवित्र आत्मा के वरदान, मैं आपको बता दूं ये अनुग्रह से मिलते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई हो जो कहेंगे कि नहीं, मैंने तो जब फास्टिंग किया था उसके बाद मुझे मिला, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में। मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देना चाहता हूं ये आपकी, आप उसके लिए कीमत चुका ही नहीं सकते, कोई मनुष्य कीमत नहीं चुका सकता है। वो वरदान हमसे ऊपर की चीजें हैं, वो वरदान पवित्र आत्मा की क्वालिटी है, उसके लिए आप कौन सी कीमत चुकाएंगे? चार दिन आपने खाना नहीं खाया वो उसकी कीमत है? नहीं, उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। जिसे भी ये दिया जाता है वो अनुग्रह से दिया जाता है। परमेश्वर ये वरदान क्यों देता है? परमेश्वर इसलिए वो वरदान देता है ताकि हम संसार के लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। हम हमेशा तेजस्वी कलीसिया की बात करते हैं और ये कहते कि ये तो जीते परमेश्वर की कलीसिया है। मूसा ने तो कहा कि प्रभु तू हमारे साथ चले जिससे कि हम संसार भर के लोगों से अलग ठहरे। अब ये जो परमेश्वर की कलीसिया है उसका झुंड है, ये चाहिए कि ये संसार भर के लोगों से अलग ठहरे, क्योंकि संसार के लोग तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते हैं, लेकिन हम लोग तो जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। हमारा परमेश्वर तो बोलता है, हमारा परमेश्वर तो सुनता है, तो इसका प्रमाण यहां संसार में पेश किया जाना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर वरदान देता है, इसीलिए परमेश्वर करिश्माटा देता है। आइए हम लोग फाइनली कुरिन्थ की पत्री में आ जाएं, 12 अध्याय जहां पर वरदानों का वर्णन मिलेगा। पहला कुरिन्थ अध्याय 12 और उसके पद 1 से हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब यहां से हम लोग ईस्ट वर्ड का चैप्टर डिस्क्लोज करते हैं, अब आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला पद से लिखा, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। उसने कहा, कुरिन्थ के लोगों, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हकीकत यह है कि यहां भी कहना चाहिए रांची के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आत्मिक वरदानों के प्रति अनजान रहे। जबकि कुरिन्थ के जो लोग थे उनके विषय में पहला कुरिन्थ पहला अध्याय पद 7 बताता है कि उनमें किसी वरदान की घटी नहीं थी। मतलब कलीसिया में इस वरदान वाले लोग भी हैं, उस वरदान वाले लोग भी हैं, उस वरदान वाले लोग भी हैं, सब अपना अपना वरदान काम में ला रहे हैं, लेकिन ढंग से मालूम नहीं है कि ये कौन सा वरदान है, कैसे काम कर। तो जब काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इसलिए उसने कहा कि तुम्हें जानकारी होनी चाहिए ताकि तुम सही तरीके से काम कर सको। उसी प्रकार हम लोगों को भी पवित्र आत्मा के वरदानों की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उस पर सही तरीके से काम कर सके। और आगे पद 4 कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। अर्थात ये जो वरदान आ रहे हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहे हैं। करिश्माटा तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा न्यूमा एक ही है, अर्थात पवित्र आत्मा एक ही है, अर्थात सारे वरदान उसी सारे। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु वो एक ही है जो सेवकाई का हेड है। और
लिखता है प्रभावशाली कार्य तो कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक ही है, पिता। देखिए दोनों त्रिएक परमेश्वर का जिक्र यहाँ पे आ गया। आत्मा एक ही है, प्रभु अर्थात यीशु एक ही है, और परमेश्वर अर्थात पिता एक ही है। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और पद सात कहता है परंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। परंतु सबको, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, अर्थात आत्मा का प्रकाशन या मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट दिया जाता है। तो ये जो आत्मा का प्रकाशन, उसका जो प्रकटीकरण है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की पूंजी नहीं, ये सिर्फ खास व्यक्ति की पूंजी नहीं है कि वो फलाना व्यक्ति है इसलिए उसके पास है, हमारे पास नहीं होगा। ये सारे विश्वासियों के लिए, जो आत्मा का प्रकाशन है अर्थात आत्मा अपनी बातों को हम पर प्रकट करे, ये चीज सारे विश्वासियों के लिए। इसलिए पिछले हफ्ते जब मैं बता रहा था, मैं कह रहा था कि पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने, ये सारे विश्वासियों के लिए। हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो भविष्यवक्ता है वही सिर्फ सुन सकता है या जो फलाना है वही सुन सकता है, नहीं, ये सारे विश्वासियों के लिए। पवित्र आत्मा अपने बातों को सब पर प्रकट कर सकता है, करता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। अब पद आठ से वरदानों का लिस्ट शुरू होता है, हम लोग एक साथ देखते जाएंगे पद दस तक लगातार। देखिए, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। टोटल नौ हुए। बहुत सारे विद्वानों ने इसको विभाजन करने की कोशिश की है कि कम से कम हम लोग विभाजन करके इनको समझें, और उन्होंने कोशिश करके तीन भागों में इसको बांटा है। और जो जिन भागों में बांटा है उसमें से एक है प्रकाशन के वरदान, अर्थात वो वरदान जिसमें परमेश्वर कुछ प्रकट करता है। फिर दूसरा उन्होंने बांटा है बोलने वाले वरदान, जिसमें हम बोलते हैं, और तीसरा सामर्थ्य से संबंधित वरदान, जिसमें सामर्थ्य की बातें प्रकट होती है। जितना उन्होंने बांटा है, जितने तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है, मैंने पढ़ करके देखने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं साफ साफ कि पवित्र आत्मा के वरदानों को तीन भागों में तो कम से कम नहीं बांटा जा सकता। वरदानों के बीच में आप लकीर खींच ले, यही बड़ी कठिन काम है, और उस पर से उसको तीन भाग में बांट लिए कि ये प्रकाशन के वरदान है, ये दीज आर वोकल गिफ्ट्स, दीज आर पावर गिफ्ट्स, दीज आर रेवलेशन गिफ्ट्स, संभव ही नहीं। क्योंकि तब आप ये बता रहे हैं कि जो प्रकाशन के वरदान है ये बोलने वाले वरदान नहीं, बोलने वाले तो उधर है, लेकिन आप पाएंगे जो वरदान है प्रकाशन और बोलना दोनों साथ में कनेक्टेड है। फिर वो कह रहे कि ये सामर्थ्य के वरदान है, इसका प्रकाशन के वरदान से कोई कनेक्शन ही नहीं। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, तीन भागों में बांटा ही नहीं जा सकता है। फिर भी रफ के लिए हम लोग बांट सकते हैं कि चलो उसमें प्रकाशन की प्रमुखता है, इसमें बोलने की प्रमुखता है, इसमें सामर्थ्य की प्रमुखता है, लेकिन इसमें जो बोलने वाला है उसमें भी प्रकाशन है, जो प्रकाशन है उसमें भी बोलना है, और सामर्थ्य सब जगह की बात है, ठीक है, उसमें जो विशेषता है उसके हिसाब से हम बांट सकते हैं। तो हम लोग वरदान पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर पद आठ में दो वरदानों का जिक्र है, हम लोग उनके विषय में आज बातचीत करेंगे। यहां पे है किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यदि किसी के पास में IBP अनुवाद है, इंडिया बाइबल पब्लिशर्स का, तो मेहरबानी करके सामने ला दीजिए ताकि उसमें से पढ़ लिया जाए, या फिर वो छोटा नया नियम जो गिडियंस वाले बांटते हिंदी, उसमें भी वही अनुवाद होगा। हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं, फॉर टू वन इज गिवन बाय द स्पिरिट द वर्ड ऑफ विजडम एंड टू अनदर द वर्ड ऑफ नॉलेज बाय द सेम स्पिरिट। दो वरदान आ रहे हैं, वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज। हिंदी में उसका अनुवाद किया गया हमारे BSI में कि बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। तो जैसे ही ये अनुवाद कर दिया गया, मिसलीड हो जाते, पता नहीं चलता कि यह है क्या।
लेकिन जिस बाइबल के विषय में मैं बता रहा था वहां पर जो अनुवाद किया गया अक्षर सा ऐसे ही अनुवाद है, वहां पर है बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन। हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं, किसी को क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान का वचन। वर्ड के लिए जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो वचन, जो यूनानी ट्रांसलेशन वो लोगोस। तो हम लोग सबसे पहले बुद्धि का वचन जानने से पहले ज्ञान का वचन समझने की कोशिश करें, तो उसके पहले हम लोग ज्ञान समझने की कोशिश करें। तो ज्ञान दरअसल में है क्या? तो जो ज्ञान है वो एक प्रकार की सूचना है जो हम लोगों को मिलती है। ये जो सूचना है ये वर्तमान से संबंधित हो सकती है, ये जो सूचना है ये भूतकाल से संबंधित हो सकती है, ये जो सूचना है बहुत सारी बातों से संबंधित हो सकती है। ज्ञान और बुद्धि में थोड़ा फर्क कर लेते हैं, तब हम लोग यहां पर फर्क करें। जैसे ज्ञान, अगर आप सिगरेट का पैकेट उठाएंगे तो आपको एक ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको पहले से यह ज्ञान नहीं है तो सिगरेट का पैकेट उठाकर पढ़िए, आपको ज्ञान मिल जाएगा। आपको जानकारी मिल गई, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन बुद्धिमानी यह है कि जब आपने उसको पढ़ा तो मत पीजिए, है ना। लेकिन आप पाएंगे कि लोग ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं पर बुद्धि नहीं है। आपने पढ़ा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, आप फिर जाके तंबाकू खा लिए। तो ज्ञान तो आपके पास है लेकिन बुद्धि नहीं थी, क्योंकि आपने उसको अप्लाई नहीं किया उस ज्ञान को। तो जो ज्ञान है वो एक सूचना है, इंफॉर्मेशन, जानकारी है जो हमको मिलती है, और बुद्धि है कि जो मिला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जब ज्ञान का वचन है तो परमेश्वर किसी व्यक्ति को एक जानकारी देता है, उसकी आत्मा में एक जानकारी देगा, एक इंफॉर्मेशन देगा, और वो जानकारी वर्तमान काल से संबंधित हो सकती है, वो जानकारी भूतकाल से संबंधित हो सकती है, वो जानकारी इन जनरल कुछ हो सकता है। और ये जानकारी पूरी जानकारी नहीं रहती, ये जानकारी जरा सा आती, कुछ आई वो जानकारी और किसी को दे दी। आपने सुना होगा, इसका उदाहरण देना बहुत आसान, परमेश्वर के सेवकों को आप सुनते होंगे, और तब ये कहते हैं कि एक व्यक्ति मैदान में है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी है और उसके ऐसे ऐसे समस्या है, परमेश्वर उसको छू रहा है। तो आप बता सकते हैं कौन सा वरदान है? ये ज्ञान का वचन, क्योंकि जो सेवक सामने खड़ा है उस पर ये ज्ञान प्रकट किया गया कि अभी जो मैदान है वहां की वर्तमान स्थिति यह है कि वहां पर एक व्यक्ति है इसको नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है, उसके साथ यह समस्या है। तो ये जो जानकारी आई यह है ज्ञान का वचन। तो ज्ञान के वचन के तहत हमको जानकारी आ सकती है। उसी प्रकार किसी के भूतकाल के विषय में जानकारी हो सकती है, उसके साथ पुराने समय में ऐसा हुआ था, ऐसा हो चुका है या ऐसा होता रहता है उनके परिवार में। तो इस प्रकार की जानकारी जब आ रही है तो जानकारी है ज्ञान का वचन। अब जो जानकारी आने का माध्यम है वो माध्यम कई है, उसमें से एक माध्यम है दर्शन, दर्शन देखना, जिसमें कि परमेश्वर हमको कुछ दर्शन दिखाए, किसी का चेहरा दिखाए, कोई लिखावट दिखाए, या फिर हम परमेश्वर की आवाज को सुने, या परमेश्वर हमारी आत्मा में प्रकट करे, जैसे पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि वो हमसे कैसे बात करता है। किसी भी माध्यम से वो हमको प्रकट कर सकता है, स्वप्न भी उसका एक माध्यम हो सकता है कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आप पर प्रकट कर दे कि ऐसा था या ऐसा है। देखिए दर्शन देखना वरदान नहीं है, स्वप्न देखना वरदान नहीं, लेकिन दर्शन और स्वप्न माध्यम है जिनके द्वारा परमेश्वर कई बातों को प्रकट करता है। अब जिन बातों को प्रकट कर रहा है अगर उसमें कोई जानकारी है वो हुआ ज्ञान का वचन, अगर उसमें कोई बुद्धिमानी है तो वो हुआ बुद्धि का वचन, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यह हार्ड लग रहा है, समझ रहे हैं ना? कोशिश कीजिए, अच्छा अगर YouTube दोबारा देखिएगा। हम लोग जरा जानकारी के विषय में या ज्ञान के वचन के विषय में थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक, पुराने नियम में भी ये वरदान पाए जाते थे। पहला शमूएल अध्याय 9
और यहां पर शमूएल है भविष्यवक्ता के रूप में। अब ये जो भविष्यवक्ता है परमेश्वर इस पर बहुत सारी बातें प्रकट करता है और उसको एक वरदान भी है, वो है ज्ञान का वचन, जिसके तहत वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है परमेश्वर से, ठीक है, उसको मालूम हो जाता है। तो परमेश्वर ने उसको कह दिया है कि तुम पहाड़ पर जाओ, वहां पर एक नगर है, वहां उसकी चोटी पर जाना और वहां पर एक बलिदान का आयोजन करना, और जब तुम आयोजन करोगे तो जिस व्यक्ति को मैंने राजा होने के लिए चुना है वो वहां पर आ जाएगा, फिर तुम उसका अभिषेक करना। तो शाऊल और उसके जो दोस्त थे, उसके जो सेवक थे, वे लोग गधियां ढूंढते हुए वहां तक चले आए और जा करके रास्ते में शमूएल से मिल गए। मतलब उसको पहचानते नहीं थे क्योंकि वे शमूएल के पास आ रहे थे ये पूछने के लिए कि हमारी गधियां खो गई हैं, जरा बता दीजिए कहाँ है। मतलब शमूएल जो था वो इस मामले में विख्यात था कि उसके पास जाके पूछ लो कि तुम्हारी गाय खो गई है वो कहाँ है, गधी खो गई कहाँ है, वो बता देगा। कैसे बता देगा? परमेश्वर का आत्मा उसको बता देता है, मतलब उसको ज्ञान मिल जाता है कि वो गधी उस पहाड़ के किनारे है, वो वहां पर पानी पी रही है, परमेश्वर उसको बता देता है। तो इसलिए तुम लोग भी जाके पूछ लो गधियां कहां है, बता देगा। ये लोग रास्ते में मिल गए, तो मिल गए तो शमूएल ने उसको बताया नहीं तुरंत, और उसने उससे क्या कहा, पहला शमूएल अध्याय 9 और उसके पद 18 से देखिए। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे पता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और जो सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। क्या कॉन्फिडेंस है! शमूएल अभी मिला है, शाऊल मिला है, शाऊल पूछ रहा है दर्शी कौन है, मैं हूं। अगला सवाल पूछने ही नहीं दिया, कुछ काम है तो बोलो, नहीं बोला कि चलो पहाड़ पे चलो, वहां पे जो भोज है वहां मेरे साथ तुम खाओ, सुबह हम बता देंगे तेरे मन में क्या है, सुबह हम बता देंगे। उसके अलावा कुछ बातें हम अभी बता देते हैं, अभी जस्ट मुलाकात हुई है, पहली मुलाकात है। और उसके बाद पद 20 को कहता है, और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता नहीं कर क्योंकि वे मिल गई। एक ही सेंटेंस में इतना इतना इंफॉर्मेशन, पहला कि गधियां खो गई थी, उस पर से 3 दिन से खो गई थी और उस पर से मिल चुकी है, तुम्हें को मालूम, मुझे मालूम। तो जैसे ही वो दोनों मिले परमेश्वर की आत्मा ने तुरंत इसको प्रकट कर दिया कि दरअसल ये गधी ढूंढते मारे जो 3 दिन से खो गई थी और उसके पिता को मिल चुकी है, पहले मुलाकात में उसने बता दिया। तो ये जो वरदान है ये क्या है? यह ज्ञान का वचन, क्योंकि उसको एक जानकारी मिली शमूएल को, उसने उस जानकारी को साझा किया, उस जानकारी को बताया, यह ज्ञान का वचन। इसी प्रकार आप दूसरा राजा की पुस्तक में देखिए, दूसरा राजा और उसके अध्याय 5, वहां पर एलीशा नबी का जिक्र है और उसका एक सेवक था जिसका नाम था गेहजी। तो एलीशा के पास में नमान नाम का एक सीरिया का सेनापति आया था, कोढ़ी था, वो चंगा होना चाहता था। एलिया ने उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उसने गेहजी के द्वारा कहला भेजा कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी मार लो, ठीक हो जाओ। नमान को बड़ा बुरा लगा क्योंकि बहुत सारा गिफ्ट लेके भी आया था, उसने सोचा कि ये तो आएगा प्रार्थना करके ऐसे हाथ फेर के कोढ़ को दूर कर दे, इसने तो उसे मुलाकात तक नहीं की। इतना बड़ा ऑफिसियल आदमी है, सेनापति है, सेना प्रमुख है दूसरे देश का, मुंह तक नहीं देखा, अब बात भी की तो अपने सेवक के द्वारा जाने लगा, उसको कन्विंस किया गया कि अरे डुबकी मार ही लो, उसके सेवकों ने कहा और वो ठीक हो गया। फिर रिटर्न आया, अरे हम ठीक हो गया, उसने गिफ्ट देना चाहा, एलिशा ने कहा ना हम तुमको देखेंगे ना तेरा गिफ्ट देखेंगे, ले जाओ वापस। बड़े स्वाभिमानी होते थे वो, वापस ले जाओ, आने जाते से हम छुएंगे तक नहीं। अब जो एलिशा का सेवक था गेहजी, वो देख रहा था इतना माल आया है और मेरे स्वामी ने ठुकरा दिया, लौटा दिया। और जब नमान चला गया तो उसने पीछा किया पीछे से, अब जाकर झूठ बोला अपने स्वामी एलिशा के नाम से झूठ बोला और कहा कि वो लोग हमारे स्वामी के यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और एलिशा ने कहा है कि थोड़ा वस्त्र दे दे, थोड़ा चांदी दे दे, ये सब दे दे, झूठ बोला। और जितना मांगा था नमान ने उसका दुगना उससे ज्यादा दे दिया और उसको लेकर गेहजी खुशी खुशी घर आया। एलिशा तो अपने कमरे में अंदर था और उसने सारा माल कहीं पर छुपाया और फिर जाकर एलिशा के सामने खड़ा हुआ। एलिशा अपने घर में भीतरी कोठरी में मौजूद था और उसके बाद एलिशा ने उससे क्या कहा, देखिए 25वें पद को देखिए।
लिखता है तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास कहीं नहीं गया, इधर ही थे। एलीशा ने उससे कहा, पर 26, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। जब गेहजी पीछा करके गया था, वो इतनी दूर गया था कि जहां से एलीशा घर से निकल के बिना देख सके, लेकिन एलीशा घर में मौजूद था। और उसने कहा कि जैसे ही तूने उससे बात की और वो रथ से उतरा, उसके बाद का सारा दृश्य परमेश्वर ने मुझे घर बैठे दिखा दिया है। मुझे मालूम है कि क्या हुआ, मुझे मालूम है कि तूने वहां पर क्या कहा, मुझे मालूम है कि तुझे कितना मिला, मुझे मालूम। गेहजी को श्राप दे दिया गया, लेकिन जो एलीशा था उसने ये जो प्रकट किया, ये कैसे, किस वरदान के द्वारा प्रकट किया? उसने ज्ञान के वचन के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि उसको परमेश्वर की तरफ से ज्ञान दिया गया, जानकारी दी गई। कैसे? पूरा हाल मुझे मालूम है, अर्थात परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाया कि देखो वहां पर क्या हो रहा है। उसने देखकर जान लिया कि यह सब कुछ हुआ। तो यह है ज्ञान का वचन। उसी प्रकार हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखेंगे। देखिए, यीशु मसीह के जीवन में जब वरदान की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर याद कीजिए जो हम लोग यीशु मसीह के साथ जो पवित्र आत्मा का संबंध है, जिस दिन हम लोग स्टडी किए थे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में काम किया तो उसने परमेश्वर के रूप में नहीं काम किया, मनुष्य के रूप में काम किया, क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया तब इस पृथ्वी पर आया। और उसने पवित्र आत्मा की सहायता ली ताकि वो हमारे लिए उदाहरण बन जाए, और पवित्र आत्मा की सहायता से ही उसने सारे काम किए। तो वो भी कई बातों को जान जाता था, वचन इस बात को बताता है। लेकिन दरअसल जब वो जान जाता था ऐसी बात है, तो दरअसल उसको ज्ञान का वचन प्राप्त होता था और वो जान जाता था। और एक ऐसी भी स्थिति आई जब वो नहीं जान रहा था, जब वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री पीछे से आकर उसने छुआ, उसने कहा मुझे किसने छुआ। उसको उस समय ज्ञान का वचन नहीं दिया गया कि किसने छुआ है। अचानक से स्त्री आई, उसने छुआ, उसमें से सामर्थ्य निकाल ले गई, चंगी हो गई। लेकिन यीशु मसीह को ज्ञान का वचन नहीं दिया गया था कि किसने छुआ, तो उसने पूछा किसने छुआ, बताओ। और वहां लिखता है कि जब स्त्री ने देखा कि मैं बच नहीं सकती, तब वो कहने लगी कि मैंने छुआ। अगर वो परमेश्वर होकर काम कर रहा था तो उसको मालूम कैसे नहीं हुआ कि किसने छुआ? वो मनुष्य होकर काम कर रहा था और उस समय उसको ज्ञान का वचन नहीं दिया गया, और बाकी समय उसको ज्ञान का वचन दिया जाता था, जिसको हम लोग पढ़ करके देख सकते हैं। मत्ती अध्याय 9 और उसके पद 4, मत्ती अध्याय 9 और उसके पद 4, वहां पर एक लकवे का बीमार आदमी पड़ा हुआ था, छत फाड़ कर उसको दिया गया था। लोगों ने यीशु मसीह को एक गिफ्ट दिया छप्पर फाड़ के, और वो गिफ्ट था लकवे का बीमार। और यीशु मसीह ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तो बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, और लूका तो ये बताता है कि वहां यरूशलेम तक से शास्त्री फरीसी लोग आकर के जमा हुए थे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रहा है। तो तुरंत धार्मिक अगुओं ने एक्शन लिया कि क्या हो रहा है वहां पर हमारे लोगों के बीच। उन्होंने भेज दिया, जाकर पता लगा। वे लोग मौजूद थे, वे लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते थे, उनकी व्याख्या करते थे। वे लोग सोचने लगे, अपने मन में सोचने लगे, अरे पाप तो सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है, ये आदमी नासरी कैसे बोल दे, अपने मन में सोचा ना। पद 3 को देखिए, 9-3, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। यीशु मसीह जान गए कि वे लोग क्या सोच रहे। ज्ञान के वचन के तहत परमेश्वर यह भी जानकारी दे सकता है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने खड़ा हो, और मैं जान जाऊं कि आप क्या सोच रहे। हालेलुया। अगर ऐसा होगा तो क्या आप मेरे सामने आएंगे? यीशु मसीह जानेंगे, क्योंकि उसको ज्ञान का वचन दिया गया। उसी प्रकार आप दूसरा रेफरेंस पढ़ करके देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसके पद 23-25। यहां पर लिखा है,
जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यहाँ पर घटना थी, यीशु मसीह यरूशलेम गए थे और उन्होंने वहाँ उलट पुलट कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यूहन्ना का जब सुसमाचार पढ़ेंगे तो हमेशा आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, वहाँ यूहन्ना जब लिखता है तो एक रिपोर्ट लिखता है कि ये घटना घटी और उसके बाद हमेशा जब लिखेगा कि उसमें कुछ लोगों ने विश्वास किया या कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, ठीक है। फिर एक दूसरा रिपोर्ट लिखेगा, फिर लिखेगा इन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, ठीक है। ये यही क्रम इसमें चलता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने मंदिर को उलट पुलट कर दिया था, कबूतरों को उड़ा दिया, बहुत कुछ हुआ। अब इसके बाद फिर रिएक्शन लिखा जा रहा है कि कुछ यहूदियों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। यीशु को भी मालूम हो गया होगा कि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि मैं मसीह हूं, लेकिन उनको ये भी मालूम हो गया कि कितना, क्योंकि उनको ये भी मालूम हो गया कि कुछ समय के बाद यही लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे क्रूस पर चढ़ाओ। इसलिए उसने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, तो विश्वास किया ये भी मालूम है और कितना विश्वास किया ये भी मालूम है और बाद में मुझको मेरे विरुद्ध में हो जाएंगे ये भी मालूम। तो ये जानकारी उसको कैसे मिली होगी? ये जानकारी सिर्फ इसलिए नहीं मिली है क्योंकि वो परमेश्वर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ज्ञान का वचन दिया जाता है। हालेलुया। तो हम लोगों ने देखा पुराने नियम का उदाहरण, हमने देखा यीशु मसीह का उदाहरण, नए नियम में यीशु के बाद में क्या ऐसा कोई उदाहरण है? हनन्या और सफीरा पति पत्नी थे और उन्होंने सोचा कि सारे लोग जाकर दान दे रहे हैं और जितने लोग दान दे रहे हैं वो लोग बड़ा रिस्पेक्टेड कहला रहे हैं कि अरे भाई वो इतना दिया है, क्यों ना हम लोग भी जाकर के दान दें। उन्होंने सोचा इसके लिए क्या करें, जमीन जाकर बेचते हैं, पैसा आएगा और सारा पैसा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग आधा पैसा रख लेंगे, आधा पैसा जाकर देंगे और कह देंगे कि पूरी जमीन का पैसा है। पत्रस वहां पर था, उन्होंने जाकर के वो पैसा उनके पांव पर रख दिया और कह दिया कि जो जमीन हमने बेची थी उसका पूरा दान हम लोग ला कर रख रहे हैं, लोगों के सामने आदर प्राप्त करना चाहते थे। पत्रस जो वहां पर बैठा हुआ था उसको ज्ञान का वचन प्राप्त हुआ, उसको पता चला कि ये झूठ बोल रहा है, उसको पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है। झूठ क्या बोल रहा है कि पूरा दे रहे हैं जबकि आधा दे रहे हैं। अरे आधा दे रहे तो आधा बोलो, पूरा दे रहे तो पूरा बोलो, क्या प्रॉब्लम है, नहीं देना है तो मत दो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। पत्रस को आगे गुस्सा, उसके गुस्से के मारे वहां पर हनन्या मर गया, लोगों ने जाकर उसको गाड़ दिया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी आई, उसको पता भी नहीं था। हमारे समय ऐसा होता है क्या, पति मर जाए पत्नी को पता ही नहीं, उस जाके गाड़ दिया उसको। पत्नी आई वहां पर कह रही कि पत्रस का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, एक आदमी मर गया फिर भी शांत नहीं हुआ। पत्नी से आते साथ सवाल पूछ रहा है, तुमने इतने में ही जमीन बेची थी? हाँ इतने, तू भी मरेगी, मर गई। तो दरअसल पत्रस को मालूम जो हो गया कि इन्होंने कुछ अलग दाम में जमीन बेचा और जो बता रहे हैं वो अलग है, झूठ बोल रहे हैं, ये जो जानकारी उसको मिली यह ज्ञान का वचन। तो ज्ञान का वचन होना बहुत जरूरी है ताकि हम कई बातों को जान सके। तो मेरे ख्याल से आप ज्ञान के वचन के विषय में समझ गए कि ये क्या है। जब आप किसी व्यक्ति को इस वरदान को इस्तेमाल करते हुए देखें तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा वरदान है, ठीक है। जैसे कि यीशु के विषय में लिखा कि वो उनके मन की बातें जान जाता था, फरीसियों के मन में क्या चल रहा था वो जान जाता था। तो उसके मन के विषय में जानना, उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना, ये परख का वरदान नहीं, ये ज्ञान का वचन, ठीक है। जब मैं नहीं जानता था तो मैं सोचता था कि किसी के बारे में जान जाते मतलब परख का वरदान है। बाद में मैंने जब स्टडी करना शुरू किया तो मैंने पाया कि नहीं नहीं, इसको परख का वरदान में नहीं रख सकते, इसको ज्ञान के वचन की कैटेगरी में रखना। तो ये वरदान परमेश्वर आपको दे सकते हैं आपकी बुलाहट के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक। तरीका कुछ भी होगा जैसे परमेश्वर आप पर प्रकट करे, उस तरीके के लिए आप अपने आप को अलर्ट कीजिए, उस तरीके के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए,
उस तरीके को प्रकट करने के लिए या उसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए आप चाहे आपको चाहिए कि आप आत्मा में आ जाएं, शरीर में रहने को जब आत्मा में आ जाएं। अब आत्मा में आने के लिए आपको उपवास करना बनता है तो उपवास कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करना बनता है तो प्रार्थना कर सकते हैं, आपको धुन लगाना बनता है तो धुन लगा सकते हैं। अब फिर आप पाएंगे कि आप आत्मा में आ गए और आपको ये बातें प्रकट हो रही है। उसका मतलब है तभी उपवास करने की वजह से मिला है, परमेश्वर ने उपवास के एवज में आपको दिया था, आपकी प्रार्थना के एवज में दिया था, ऐसी बात नहीं। आपको अनुग्रह दिया गया, आपने अपने आप को आत्मा में लाया जहां पर आप उसको अनुभव कर सके, उसके लिए उन माध्यमों का इस्तेमाल किया। सो आप इस बात को प्रैक्टिस कीजिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा कैसे बातें करता है, उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसकी आवाज को सुनने की प्रैक्टिस करते रहिए। और आप इस बात के लिए अलर्ट रहिए कि कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं, फिर आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, हम लोग एक सेशन आयोजित करेंगे यहाँ पर भी, जिसमें हम आपके जो वरदान है उसको आप में एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक बार की बात है जहाँ पर हम लोग आयोजित करते सभा संगति करते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश की। वरदानों के विषय में हम लोग शिक्षा दे रहे थे, मैंने कहा कि हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग अपनी जगह बदल कर बैठ जाए। आप उस व्यक्ति के पास चले जाइए जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि जिसे आप परिचित है उसके बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके पास जाइए जिसके आप नहीं जानते और जाकर एक दूसरे के पास बैठ जाइए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस बीच आप ध्यान दीजिए कि आपके भीतर परमेश्वर क्या प्रकट कर रहा है। हो सकता है कि कोई तस्वीर आ रही हो सकता है कि कोई शब्द आ रहा हो सकता है कोई वाक्य आ रहा हो सकता है कोई बाइबल का पद आ रहा हो। अलर्ट रहिए कि क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। शेयर करिए, बिना डरे शेयर कीजिए जो भी आए। और शेयर करने के बाद पूछिए उससे कि मैंने ऐसा देखा, समझ में नहीं आया, ऐसा आपके जीवन से कोई रिलेशन है कि नहीं। अगर परमेश्वर ने सही में आप पर प्रकट किया तो उसके जीवन से जरूर कोई संबंध होगा, और अगर गलत भी हो जाता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर हैं सीखने के लिए। सीखते समय गलती कर लीजिए और बाद में खूब दौड़िए, बाहर जाके गलती करने की इजाजत नहीं है। देखिए, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो कभी सीख नहीं पाए। अगर कोई बच्चा को हम चलने ना दें ये सोच के कि वो गिरेगा, हाँ चलने दो गिरेगा, वो कभी नहीं चल पाए। लेकिन उसको गिरते पड़ते चलने दीजिए, घुटने छिलने दीजिए, लेकिन जब वो गिरते पड़ते कोशिश करेगा तो एक दिन चल लेगा, एक दिन दौड़ भी लेगा। लेकिन हम इस डर से कि वो गिर जाएगा हम उसको चलने ही ना दें तो उसको व्हीलचेयर में रखना पड़ेगा जिंदगी भर। वरदानों के विषय में भी ऐसे ही, अगर आप इसको सीखने के लिए गलती करने से डरेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। किसी और के सामने गलती करने मत जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा कि किसी और पर एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करें। जिसमें कि गलत हो भी जाता है तो एक्सक्यूज है, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और सही हो जाता है तो आप जानने लगेंगे कि कैसे हुआ। हमारे साथ उस समय एक बहन थी, तो एक दोनों एक दूसरे के साथ में बैठी और उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया। तब जो बहन थी उन्होंने आँख खोलने के बाद बताया कि मुझे एक इंजेक्शन दिखाई दिया और मुझे फांसी का फंदा दिखाई दिया, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, और उसको समझ में नहीं आया कि क्या है। तो उसने दूसरी बहन को बताया कि मुझे इंजेक्शन दिखाई दिया, मुझे फांसी का फंदा दिखाई दिया, लेकिन पता नहीं क्या है। तो बहन कहने लगी कि मैं नर्स हूं, इंजेक्शन में देती। फिर वो बताने लगी कि जो उसका भाई था उसने फांसी लगा ली थी। तो उस बहन पर ये प्रकट किया गया। अब इस बात को पहचानना पड़ता है कि जब प्रकट किया जाता है तो वो दरअसल है क्या। ये जो पहचानना है ये एक कठिन सवाल है, ठीक है। इसके लिए तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। आपको कुछ प्रकट किया गया तो प्रभु से पूछना पड़ेगा कि ये क्या है, ये वर्तमान का है कि भूतकाल का है, यह आने वाले समय में होने वाला है, ये पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको जो जानकारी दी गई उसके साथ आप प्रभु के साथ में बैठिए, प्रभु से पूछिए, और प्रभु उसके आगे की बातों को भी प्रकट कर सकता है। तो ये हुआ ज्ञान की बात, यह ज्ञान का वचन। क्या हमारे पास समय है? बहुत कम। एक ही वरदान के विषय का जिक्र कर पाए। मैं आपके पास एक चॉइस रखता हूं। आज हम लोग यदि चाहें तो बुद्धि के वचन के विषय में सीख सकते हैं, या फिर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चुनाव कीजिए। ओके हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, सारी परिस्थितियों को, सारे माहौल को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आप भी अपने मन को स्थिर रखिए, प्रभु की तरफ दृष्टि कीजिएगा, और फिर उसके बाद, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं आपको उसके पास भेजूंगा जिसको आप नहीं जानते, ठीक है? और तब आप वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कुछ देर, और फिर आपको जो भी लगता है आप शेयर कीजिए। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप गलती करने से मत डरें, अभी सीखने का समय है। और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके पास ये वरदान है, तो ये वरदान और भी अधिक चमकने लगेगा, और भी अधिक शार्प होने लगेगा, और भी अधिक वो निखर कर सामने आएगा मनुष्यों के बीच में इस्तेमाल होने के लिए। क्योंकि स्मरण रखिए, जो वरदान आपको दिए गए, एक दिन उसका हिसाब भी लिया जाएगा। आप नहीं कह सकते कि मैंने उसको जमीन पर गाड़ दिया था। यदि जमीन पर गाड़ दिया है तो आज निकाल लीजिए, ठीक है? यदि गाड़ दिया हो तो निकालने का समय आ गया, इसलिए प्रैक्टिस कराना जरूरी है। इसलिए आइए हम लोग आज इतनी ही देर इन बातों को सुनते हैं और हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। इसके पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, आप लोग स्थान पर खड़े हों, अगल बगल देखिए कोई ऐसा चेहरा जो आपको परिचित नहीं है, उसके पास जाइए। जितने भाई लोग हैं वो भाइयों के पास में जाएं, और जितने बहनें हैं वो बहनों के पास में जाएं, और आप एक दूसरे के पास में जाएं, अपरिचित व्यक्ति के पास में जाएं, और पहले पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। पोजीशन ले लीजिए। देखिए, आप जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं या जो कुछ आप कहते हैं, ये आपके लिए भी चेक करने का समय है, ठीक है? कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमको प्रभु दिखाया, उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। नहीं, आज हम लोग वो काम कर रहे हैं जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है? आपके बगल वाला जिसको आप बताएंगे, रिपोर्ट देंगे, वो वेरीफाई करेगा आपके लिए। तो इसीलिए आपकी परीक्षा हो जाएगी, अगर आपके वरदान है, परीक्षा हो जाएगी सही है कि आप दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो पोजिशन आपने ले लिया, ठीक है? आप चाहे तो आप बैठ सकते हैं, ठीक है? एक दूसरे के साथ में बैठ जाइए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं पहले सबके लिए प्रार्थना करूंगा और इसके बाद आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। निवेदन मत पूछिए, क्या निवेदन? आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। पहले एक जन दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दो मिनट कम से कम, फिर दूसरा जन पहले के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा कि आप एक दूसरे के साथ में बातों को शेयर करें। आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आप पर कुछ बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान का वचन हर एक को दिया जाए ये हम नहीं जानते, लेकिन उसने इस बात को कहा था कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया। गुड। अब मैं चाहता हूं कि या भाई लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता था कि कोई इधर म्यूजिक में हमारी मदद करता। यदि आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग के सामर्थ्य पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें यहाँ पर सीखने के लिए बुलाते हैं, और आप चाहते हैं कि जो अनुग्रह आपने हमें दिया है वो निखर कर सामने आए, क्योंकि हमने तेरे वचन में इस बात को पढ़ा है। और पिता, हम चाहते हैं कि वो बातें निखर कर जरूर सामने आ जाए। आज हम थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते ज्ञान के वचन के विषय। और पिता, इस घड़ी, इस पूरे माहौल को, इस पूरे स्थान को यीशु के नाम से मैं तेरे अधीनता में लाता हूं। दुष्ट की कोई भी गतिविधि, कोई भी काम यहाँ पर न हो सके, उसके कोई भी षड्यंत्र यहाँ सफल न हो सके। हर एक दुष्ट आत्मा और उसके कार्य यीशु के नाम से समाप्त हो जाए, इस स्थान से दूर हो जाए। और पिता, इस घड़ी हमें से प्रत्येक जन की मदद कीजिए, इन प्रियों की मदद कीजिए पिता, ताकि वे जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो तू उन पर एक दूसरे के लिए बातों को प्रकट करे, और जब प्रकट करे पिता, वे उसके लिए अलर्ट रहकर उसको कैच करने पाए। यदि कोई तू तस्वीर प्रकट करे, उस तस्वीर को कैच करने पाए, कोई शब्द, कोई आवाज, कोई बातें पिता उसको भी कैच करने पाए, और एक दूसरे के लिए बता सके, और एक दूसरे को चेक कर सके कि किस रीति से परमेश्वर काम कर रहा है। पिता, हमने तुझे पहले भी इस रीति से काम करते हुए देखा है, आज भी तो इस रीति से काम करेगा। पवित्र आत्मा, इस घड़ी प्रत्येक जन का नियंत्रण लीजिए, यीशु के नाम से प्रत्येक जन का नियंत्रण लीजिए, और पिता उन पर प्रकट कीजिए, ताकि वे एक दूसरे के लिए जब तुझसे निवेदन करें, तेरी ओर से उनको ज्ञान प्राप्त होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आप ऐसा करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए जब तक आवाज ना आए, आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। आप निर्णय ले लीजिए कौन पहले करेगा कौन बाद।
प्रेज द लॉर्ड, मेरी गवाही है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस बहन के लिए जब प्रेयर करने लगी तो प्रेयर के दौरान मुझे इनके पापा को दिखाने लगा। ये बहन बताई कि मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन अभी जो इनको पाल रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो वो बोझ, बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करती है उनकी दीर्घायु के लिए। और मैं उन्हीं बातों को प्रेयर कर रही थी मैं, और मैं प्रार्थना कर रही थी कि इसका पूरा घराना बचाया जाए। और बहन ने उन बातों को भी मेरे साथ शेयर किया कि ऐसी ऐसी बात है उनके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने इन बातों को मेरे मन में प्रकट किया, डाला इन बातों को, इन ज्ञान का वचन को मेरे अंदर डाला कि मैं उनको समझ पाई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि इन बातों को मेरे मन में डाला। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी ये बहन के लिए प्रार्थना की और ये प्रभु के प्रेम से बहुत ज़्यादा भरी हुई है और इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बस हम लोग यहाँ पर मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और ये इससे ज़्यादा कुछ भी बात नहीं हुआ था। लेकिन जब हम इसके लिए प्रार्थना करने लगे, एक प्यार का वो लेबल, ये प्रभु के लिए एकदम पागल जैसा ये रहती है, वो उस चीज़ को प्रभु प्रकट कर रहे थे। इसका प्यार देख के हमको भी लगने लगा कि प्रभु आज तक हम भी उस प्रेम में हम भी आज तक नहीं आ पाए हैं, जबकि हम मिनिस्ट्री में हैं। लेकिन इसके लिए जो प्यार था, और प्रभु को और पूछ रहे थे कि प्रभु इसके परिवार में या कहीं और कुछ ऐसा नहीं है, प्रभु बोला नेवर, इसके परिवार में कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस इसको ये चाहिए, मैं ही चाहिए इसको, बस मैं। और ये सच में जब इसके साथ में बात करने लगे तो बोलती, दीदी आप सच में आप प्रार्थना कर रहे थे, हम सच में प्रभु के लिए पागल ही हैं और एक चीज़ के लिए ये संघर्ष कर रही है, बट उसको हम लोग अभी नहीं बता सकते। और सेकंड थिंग भी परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होना चाहती है, तो मैंने इन दो बातों में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और मैंने इन दोनों विषय के लिए दीदी के लिए प्रेरण किया। इसके लिए मैं सारी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ। थैंक यू। मैं सिस्टर के लिए प्रार्थना की कि ये कमर की दर्द से पीड़ित है बोल करके इनको पूछा के पूछे तो बोले कि थोड़ा पेन होता है कभी कभी ऐसे बोल करके, और बोले कि इनकी पढ़ाई के लिए, ये पढ़ाई के लिए बहुत ही चिंतित रहती हैं ऐसे बोल करके, तो बोले कि हाँ हम पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं ऐसे बोल करके। मैं जब इस बहन के लिए बात प्रार्थना कर रही थी तो मुझे कुछ एन या एन ई करके कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे और किसी मेल पर्सन के साथ हाथ पकड़ के खड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके पापा है या इसका भाई, तो मैंने ये दोनों बातें इस बहन को बताई तो इसने कहा कि मेरा भाई जो मेरे परिवार से इन सबसे बहुत दूर है, वो ऐसा पर्सन है कि वो उसके साथ कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। वो मैथ स्ट्रीम का था, उसको आर्ट्स नहीं लेना था, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन वो निकाल नहीं पाया तो उसको आर्ट्स दे दिया गया। 3 साल वो आर्ट्स पढ़ा, वो उससे इतना कुंठित हो चुका था कि वो हमारे पूरे परिवार से नफरत से करने लगा था ना। वो पापा से बात करता तो सिर्फ अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती है तब करता है, माँ से कभी बात नहीं करता। कम से कम 1 साल जैसा हो गया होगा और हम लोग भी बहुत दूर रहता है ना, मुझसे कोई बात हो पाती है तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि वो बदल जाए। और परमेश्वर का जो वचन है जो कहता है कि तेरे विश्वास के कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो उस पर पूरा हो और उसको हमेशा प्रार्थना में रखते हैं। तो यही दृश्य बहन को दिखाई दिया। तो जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं अपने आप में बहुत डाउट करती हूँ क्योंकि ना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई वरदान मिला है, ना मैं अन्य भाषाओं में बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है।
तो मैं जब इनको देखी तो मुझे लगा स्टूडेंट हैं, शायद स्टूडेंट है, जॉब करती हैं। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे दिखाई, मुझे बार बार दिखाई दे रहा था पेन और पेपर। तो मुझे लग रहा था शायद मेरे मन का वहम है, जनरलाइजेशन में चल रही हूँ कि शायद इनको नौकरी का कुछ टेंशन होगा या फिर एग्जाम्स की कुछ टेंशन होगा शायद इसलिए। और ये बात मैंने इनको बताया भी नहीं कि ऐसा है कि पेन और पेपर कुछ है क्या। लेकिन जब ये मुझे बताने लगी तो मैंने उनको कहा कि मैं जब प्रार्थना कर रही थी तो क्या मेरे बताए बोले हुए वचनों से कुछ आपका रिलेशन निकला क्या? तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकला। तो मैंने अंत में पूछा, अच्छा मुझे एक चीज़ दिख रही थी पेन और पेपर, क्या उससे कुछ आपका रिलेशन है? तो बोलती हाँ, मैं अभी एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ, नीट का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ। तो सारी मैया पिता परमेश्वर को, प्रेज़ द गॉड। मेरे भाई का नाम नितिन प्रवीण किंडो है, नितिन, हाँ, नी दिख रही थी। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने देखा, क्या नाम पूरा नहीं पता, बाद में पता चला नितिन नाम है। नितिन भाई, आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम लोग जब साथ में प्रार्थना कर रहे थे तो पहले तो मुझे ये दिखाई दिया कि सिस्टर अकेली खड़ी हैं, और मुझे नहीं पता था कि इनके हस्बैंड इनके साथ में नहीं रहते हैं, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मुझे ये महसूस हुआ कि ये अकेली खड़ी हैं। जिसको मैंने लास्ट में बताया, मुझे एक पेपर दिखा जो किसी तरह का ऑफिशियल पेपर था, और मुझे एक बैंक का चेक दिखा। और जब मैंने इनको बताया तो ऐसा लगा जैसे कुछ मैच नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि बेटी का एडमिशन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है, फॉर्म्स भरे हुए हैं लेकिन पेमेंट रुका हुआ है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो प्रकट किया है वो सिर्फ प्रकट नहीं, पूरा भी करेगा। मैं और सिस्टर को भी परमेश्वर ने कुछ मेरे विषय में दिखाया। सिस्टर नहीं जानती है मुझे, आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। एक्चुअली सिस्टर आज फर्स्ट टाइम प्रेयर टावर आई हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनको कुछ दिखाया है, वो खुद बताएंगे। हम दोनों जब बैठ के यहाँ प्रेयर कर रहे थे तो मुझे क्या बोलते हैं, ब्लू टाइप का जो ऑफिस में जो चेयर बैठने वाला रहता है वो दिखाई दिया ऐसे चारों तरफ से, और बीच में टेबल और उनके ऊपर बुक रखा हुआ, और भी कुछ दिखाई दे रहा था, पर मेरी बेटी उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी इस कारण इतने ही देख पाए, बार बार आके फिर इनको पूरा ही ला दे। वो जो टेबल था जिसके ऊपर ढेर सारे बुक्स थे, हमारे हॉस्टल में ऐसे ही अरेंजमेंट है, हर किसी का एक बेड एक टेबल है और सारे बुक्स टेबल पे ही पड़े रहते हैं। तो सिस्टर को ये दिखाया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब मैं परमेश्वर में होता नहीं था, मैं ना ज़्यादा ना बाइबल पढ़ता था, ना वचन के बारे में पढ़ता था, ना परमेश्वर के बारे में, ना मैं संगति करता था। तो जब मैं संगीत ये सब नहीं कर रहा 2014 उससे बहुत पहले, आखिर मेरा इतना बहुत एक्सीडेंट हुआ करता था, मेरा हर छोटी हर मतलब मैं कहीं भी जाता था एक्सीडेंट होता ही होता था। लास्ट एक्सीडेंट मेरा 2014 हुआ था, उस समय मैं सुबह कहीं से आ रहा था घर, और वह सुबह का 7 या कुछ बजे तो मैं वापस आ रहा था, तो मैं लोरेटो की तरफ मतलब घर की ओर जा रहा था। तो मैं लोरेटो तरफ से होते हुए ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर की स्पीड में था, अचानक एक अंकल मतलब कार ऐसा सीधा लगा हुआ था रास्ते के, तो उन लोगों ने अचानक मतलब बिना देखे और बैक कर दिया। मैं डायरेक्ट जा कर 70-80 के स्पीड में जाके मैंने हिट कर दिया उन लोगों को। तो उस समय मैं अच्छा मैं हेलमेट में था, पर उस समय ऐसा हाल हुआ कि उस समय मैं लॉर्डो का जो बाउंड्री था मैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर तक उछल गया था। पर मैं जब नीचे गया तो मैं सर के बल गिरा, तो उस समय मे भी ऐसा हो सकता था कि मैं उस समय सर क्रैक हो सकता था, मेरा गला बैंड होता जिसमें उसी हिसाब से वहाँ पर मर भी सकता था। पर जब अंकल लोग वहाँ निकले मुझे देखे उठाए, तो वो बोले बोले क्या अब तुम मतलब कुछ करते हो क्या स्पोर्ट्स में? तो मैंने बोला नहीं। तो तुम जिस तरीके से गिरे थे उसे मैं लगा नहीं कि तुम कुछ मतलब गिरे हो कुछ लगा, उस समय मेरे को लगा मैं बस पैर में थोड़ा सा लगा था और हेलमेट पूरा स्क्रैच हो गया था। तो ये सब मेरा चलते ही रहता था। फिर 2014 के बाद मैं जब जीएस को आना स्टार्ट किया, यूथ सैटरडे आना स्टार्ट किया, तो इस समय मैं धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होने लगा कि हाँ जीएस के बारे में जब भरोसा करने लगा, तो उस समय हुआ ऐसा कि मुझे जीएस हमेशा मैं एक मेरे अंदर में हमेशा एक वचन चलते रहता था, भजन संहिता 121 उसका 8 में जिसमें यह हुआ, जैसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि यह हुआ तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो
ये वचन मैं हमेशा अपने हृदय में रखे रहता था। मैं अभी भी मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ होता है कि मैं कुछ इंच से बच जाता हूँ एक्सीडेंट होने पर, अभी तक एक बार भी उस दिन के बाद से मेरा अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, छोटे छोटे किसी पाते में एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो धन्यवाद देता हूँ यह परमेश्वर की, उनके द्वारा पिताजी उन्होंने मुझे इतना सिखलाया और वो बताया कि हाँ वो जीवित खुदा परमेश्वर है जो हमारी रक्षा रखवाली करता है। साथ ही पिताजी मैं हमेशा यहाँ पे चाहता था कि मैं टेस्टिमनी दूँ पर मैं कभी दे नहीं पाता था, आज परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य इसलिए धन्यवाद देते हैं। और मैं टेस्टिमनी इसलिए बताया कि जीसस चाहते थे कि अभी के टाइम में युद्ध हमें देखा जा रहा है कि जितने भी युद्ध लोग मैक्सिमम एक्सीडेंट करके उनकी डेथ होती है। तो इसके द्वारा आप लोग मतलब अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में इसको इंक्लूड करें कि इनके एक्सीडेंट टाइप के द्वारा किसी के कुछ भी हो ना उनके साथ दुर्घटना। धन्यवाद।